दूजे से बोल दिया रसिया खोल दी और भगवान उच्चारण कर रहे हैं मैं आपके लिए अब राजा हृदय में जा रहा हूँ भगवान नाम का अवतार हो रहे वृंदावन बिहारी भैया हाथ दीजिए भैया हाथ दीजिए भैया हाथ दीजिए यमुना में परिवर्तित होती हैं और वही कदम का ओरिजिनल पेड़ संकट मोचन मंदिर में जो कि उसी का वन है वहाँ से ला के आज ही लगाते हैं उसी से यमुना में भगवान कृष्ण छलांग लगाते हैं और काली नाग को नत कर उसको यमुना से उद्वासित करते हैं यही पूरा प्रसंग है। तो आज देखिए पूरे काशीवासी और बहुत दूर दूर से लोग आते इसमें पार्टिसिपेट करने और ऐसी मान्यता है कि भगवान का स्वरूप आज मूर्ति में विराजमान रहता है भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ वो भी यमुना तट पे ये कम बात नहीं है। कितने वर्षों से चली आ रही ये लगभग 450 वर्ष से ज़्यादा पुराना लीला है और गोस्वामी जी ने अपने जीवन काल में इसको शुरू किया था रामलीला और उसके बाद कार्तिक में कृष्ण लीला देखिए अकबर गोस्वामी जी को बहुत मानते थे और मित्रवत उन्होंने इतना आदर उनका किया कि एक बार कभी आए थे चुनार फोर्ट तो कहे जब यहाँ तक आ गए हैं तो गोस्वामी जी से मिल के फिर वापस चलते हैं तो मिलने आए थे संभवतः उसमें कृष्णलीला चल रहा था और वही पेंटिंग राजस्थान के किसी संग्रहालय में था जो कि इस समय अमेरिकन लाइब्रेरी में वो है और किसी ने हमको वहाँ से एक कॉपी उसका भेजा था। पूरे लाव लश्कर के साथ अकबर आए थे और गोस्वामी जी से मिल के और फिर गए थे तो देखिए ये एक दूसरे ढंग का संबंध था और ये मुग़ल काल की बात मैं बता रहा हूँ तो आज का देखिए वही एम्बियंस आपको सब मिल रहा है और ये जो बनारस का एक कैरेक्टर है ये इंक्लूसिव कैरेक्टर है आपको हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और कितने प्रेम से रहते हैं तो हम तो समझते हैं कि बनारस का ये प्रोटोटाइप मॉडल दुनिया में कहीं नहीं होगा। बहुत कुछ इस शहर से लोगों को सीखना चाहिए।